दोस्तों, टेक्नोलॉजी से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल में सेट करें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलें बिल्कुल फ्री में। हे गाइस, वेलकम बैक टू गुड क्रिएटर्स। अगर आपका ये पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या एसडी कार्ड करप्ट हुआ है तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, आप उसे उठा के फेंक दें। अगर आपका पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और हार्ड डिस्क इन तीनों में से कुछ भी करप्ट हुआ है तो आप उससे डाटा कैसे रिकवर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो में बहुत इजी टिप्स है तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, आपने ऐसे ही थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम देखने वाले हैं अगर आपका पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और हार्ड डिस्क इन तीनों में से कुछ भी करप्ट हुआ है तो आप उससे डाटा कैसे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात और दोस्तों, आपको जो मैंने लिंक खोल के दिखाने वाला हूँ, जिस सॉफ्टवेयर का कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, वहाँ मैंने बहुत सारे ऑफर्स हमेशा मेंशन करके रखता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देख, सबसे पहली चीज़ मैं आपको अपने डेस्कटॉप के ऊपर ले जाता हूँ, वहाँ बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ नोटिस कर लें, अगर आपका एंड्रॉयड का रिकवरी करनी है या फिर आईफोन, ओएस या विंडो रिसाइकल बिन की किसी की भी अगर आप रिकवरी करनी है तो आप उसे भी कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं इसके सारे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, तो चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे कि आप आ चुके हैं मेरे वेब पेज पर, आपको इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, आपको एंड्रॉयड डाटा रिकवरी हो करेगा, आप एंड्रॉयड का भी डाटा रिकवर कर पाएंगे। आप चाहे उसे विंडोज़ में डाउनलोड कर लें या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, आप एंड्रॉयड का डाटा रिकवर कर पाएंगे अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया है तो। और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इसलिए लगा मुझे क्योंकि इसमें आप जा करके अपना आईपैड का भी डाटा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको आईफोन से कोई दिक्कत है, आईफोन में कोई डिलीट हो गया है कुछ डाटा आपका एक्सीडेंटली, तो आप उसे भी रिकवर कर पाएंगे मैक का डाउनलोड करके। और बिटवेयर डाटा रिकवरी आप देख सकते हैं, तो एंड विंडो के लिए और एप्पल के लिए दोनों के लिए जो अवेलेबल है, आप दोनों के लिए इससे रिकवर कर पाएंगे डाटा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, डाटा रिकवरी फॉर विंडो, एंड्रॉयड डाटा रिकवरी फॉर विंडो, आईफोन डाटा रिकवरी फॉर विंडो, डाटा रिकवरी फॉर मैक, डाटा रिकवरी फॉर एंड्रॉयड, आईपैड डाटा रिकवरी फॉर मैक। आप आईफोन का भी डाटा इससे रिकवर कर पाएंगे, फैक्ट्री रिकवर कर पाएंगे, डिलीट फाइल रिकवर कर पाएंगे आप, रिसाइकल बिन का रिकवर कर पाएंगे और यूएसबी ड्राइव का भी कर पाएंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आप जिसके जो आपके लिए सूटेबल लगे, जिससे आपका डाटा डिलीट हो गया हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड को भी इससे कंप्यूटर से जोड़ करके अपने विंडोज़ से आप उसका भी डाटा निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका इंस्टॉल करने के बाद, हम लोग इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे, तो विंडोज़ के लिए हम डाउनलोड कर लेते हैं, देन उसे इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो कुछ रिकवरीज करने के लिए ये कुछ स्पेशल परमिशंस मांगेगा, तो आप उसे परमिशन ज़रूर दें जिसके कारण वो अच्छे से पूरा डाटा रिकवर करके दे सके, आपका जो भी करप्ट हुआ है डाटा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो आपका निकल पाए। तो इसलिए चलिए, जब इंस्टॉल हो जाएगा आप उसके बाद क्या करेंगे, उसे ओपन करने के बाद क्या इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ही ये इंटरफेस खुला है, ऐसे ही आप ओपन करेंगे इसे तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप अपने यूएसबी जो ड्राइव मैंने जोड़ रखा है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे अगर कुछ डाटा डिलीट हुआ है तो आप उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डीप स्कैनिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, आप डीप स्कैनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन चुनने के बाद आप उसे नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर क्विक स्कैन, डीप स्कैन और फॉर्मेट रिकवरी तीनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। आपको क्विक स्कैन में वो फास्टली जो आपका डाटा रिकवर करना हो वो आप उससे निकाल सकते हैं, डीप स्कैन में पूरा डीप से मतलब अच्छी तरह से वो पूरा डाटा रिकवर करेगा, और फॉर्मेट जो डाटा फॉर्मेट हुआ हो वहाँ से निकल आएगा। अब सिलेक्ट ऑल टाइप, अब आपको फाइल अगर वीडियो नहीं चाहिए, अदर फाइल नहीं चाहिए तो आप उसे भी करके स्कैन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो सबको भी कर सकते हैं, सबका डाटा निकाल सकते हैं कि कौन सारी फाइल्स में से क्या क्या डिलीट हुआ है, वो सारा फाइंड करके वो दे देगा आपको। आपको यहाँ थ्री स्टेप में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फर्स्ट स्टेप प्राइमरी पार्टीशन, उसके बाद आपको स्कैन मोड, देन फाइल टाइप्स। इसके बाद आपको बस स्कैन करना है और आपकी जो रिकवर फाइल है वो आपके पास आ जाएगी
आई होप आपको सारे स्टेप अच्छी तरह समझ में आए हों और आप अपना डाटा रिकवर कर पाए हों। अगर आप अपना डाटा रिकवर कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी तरह से आपको हेल्प करूँगा अगर आपका रिकवर डाटा नहीं हुआ है तो। चलिए नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।